नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गवाह यानी विटनेस किरण गोसावी, जिस पर पुणे में धोखाधड़ी के मामले दर्ज है 2018 में फराज खाना, और फिलहाल लश्कर पुलिस स्टेशन में भी और एक मामला दर्ज किया गया है धोखाधड़ी का, और इसकी पेशी कल अदालत में की जाएगी पुलिस कस्टडी के लिए। लेकिन तफ्तीश के दौरान क्या कुछ होगा, इस बारे में बात करते हैं लश्कर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक कदम सर। सर क्या कहेंगे, हिरासत में आपके आ गया है, आगे की कार्रवाई क्या कुछ होगी? पुलिस स्टेशन लश्कर में जो गुनाह दाखिल है उसमें आज हम लोगों ने कोर्ट का परमिशन लेके इस गुने में गोसावी को ट्रांसफर कर लिया है, और इन्वेस्टिगेशन में कल जब कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा तो पीसीआर या जो भी कस्टडी मिलेगी उसके हिसाब से हमारा अगला इन्वेस्टिगेशन चलेगा। इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ हो सकता है, क्या क्या जरूरी चीजें हैं, जिस प्रकार से आरोप लगाए हैं जो शिकायत करता है प्रकाश वाघमारे इन्होंने, उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन कैसा हो सकता है? इन्वेस्टिगेशन में जो फिरियाद दी गई है, एफआईआर जो दर्ज है, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो भी ऑडियो सैंपल्स की जरूरत पड़ी तो वो, और जो भी एविडेंस हम कलेक्ट करेंगे वो कलेक्ट करने के लिए हम पीसीआर लेंगे और उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो आरोप लगाया है कि 1,10,000 रुपया प्रकाश वाघमारे इन्होंने दिया, साथ ही साथ उसके जो दो दोस्त हैं उन्होंने पहले ही इसको पैसे दिए थे, तो उसके बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकता है? जो पुणे की एक महिला है जिसका नाम सामने आ रहा है, वो कौन है, उसको उसकी गिरफ्तारी भी जरूरी है? दोनों आरोपी ने जितना भी पैसा लिया है उस बारे में जितना भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हर चीज़ मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जमा करना और ये आरोपी के विरुद्ध जो हमने अभी जो हैंडओवर कर लिया है हमारे गुने में, उसके अगेंस्ट जो भी एविडेंस हम बना पाते हैं या जो मिलता है वो कलेक्ट करेंगे। दूसरे आरोपी के बारे में अभी मैं बोल नहीं सकता, जब भी इन्वेस्टिगेशन चलेगा मैं बाद में बताऊंगा। ये जो तीन फिरियादी है ना, शिकायत करता है, जिन्होंने कहा है कि तकरीबन 4,00,000 के ऊपर पैसे गोसावी को उन्होंने दिए थे, वो जो दूसरा आरोपी है उसके जरिए, तो बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक से बातें करना, जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके दस्तावेज, या जो मोबाइल इस्तेमाल हुए हैं ट्रांजैक्शन के लिए, ऑनलाइन अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो इसका फोरेंसिक डाटा कलेक्ट करना भी जरूरी होता है क्या? जरूरी है, सब चीज़ें करना जरूरी है, और पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इन्वेस्टिगेशन वो होने वाला है। जो फराज खाना पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो कितनी मदद आपको साबित, उसकी कितनी मदद हो सकती है? ये डिफरेंट ऑफेंस है, यहाँ एफआईआर भी अलग है, फिरियादी भी अलग है, और जब घटना हुई है वो भी अलग डेट्स में और अलग जगह पे हुई है, तो कितना उधर का इन्वेस्टिगेशन इधर सपोर्ट करेगा ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है और जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है ये क्राइम का वो अलग से चलेगा। फराज खाना के गुने में से एक आधी चीज़ आ सकती है लेकिन हर चीज़ कॉमन नहीं हो सकती। आरोपी और शिकायतकर्ता, इनकी कन्फ्रंटेशन यानी जो एक दूसरे को पहचानना, ऐसा भी कुछ किया जाता है? ये तो इन्वेस्टिगेशन के दरमियान जो भी एविडेंस आएगा उसके हिसाब से किया जाएगा, हर चीज़ मैं यहाँ नहीं बता पाऊँगा। सर ये जो जिस जगह पर इन्होंने पैसे दिए थे, शायद मुंबई में या जिस एयरपोर्ट पे उनको बुलाया था, वहाँ पे अगर किरण गोसावी आया है तो वहाँ पर भी जाना ज़रूरी होता है? ये इन्वेस्टिगेशन कौन सा टर्न लेता है उसके ऊपर ये डिपेंड है, जरूरत पड़ने पर हम मुंबई के भी जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा उसके हिसाब से किया जाएगा। यहाँ पर आपने सुना कि जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है लश्कर पुलिस स्टेशन के अशोक कदम सर, उन्होंने कहा है कि जांच बराबर होगी, जो भी शिकायत की है, जो भी आरोप लगाए हैं उस हिसाब से तफ्तीश की जाएगी, पुलिस कस्टडी जो ज़रूरी है उसके लिए कल पुणे की अदालत में पेश किया जाएगा किरण गोसावी इस आरोपी को। लेकिन अब तक जो फराज खाना पुलिस ने तफ्तीश की है वो भी बहुत अहम है, जो भी दोनों मोबाइल जब्त किए हैं उसका जो फोरेंसिक डाटा निकालना शुरू है उसे भी खंगाला जा रहा है, और जो कहा जा रहा है कि ये जो डाटा पूरा हाथ में आने के बाद जो बातें सामने
सकती है वो चौंकाने वाली है। वो डाटा लश्कर पुलिस स्टेशन को कितना काम आता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन साथ ही साथ जो धमकियां पहले शिकायतकर्ता को दी है या दूसरे शिकायतकर्ता को दी है उसके लिए जिस तरह से फराजखाना पुलिस स्टेशन में ऑडियो सैंपलिंग हुआ, फॉरेंसिक सैंपलिंग हुआ, शायद वैसा भी इस पुलिस स्टेशन में भी हो सकता है। मामले कई दर्ज हुए हैं किरण गोसावी के खिलाफ। सबसे महत्वपूर्ण है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में आरोप लगे हैं उसका भी इन्वेस्टिगेशन मुंबई में जो SIT एक गठित हुई है उसकी टीम भी, उसके जांच अधिकारी भी इसमें जांच कर सकते हैं। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक।